आगाज में खबर शामिल करते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि कलदम टीएलपी जमात मजहबी नहीं बल्कि अस्करियत पसंद ग्रुप है। काबीना ने फैसला किया है कि टीएलपी को अस्करियत पसंद गिरोह के तौर पर इससे निपटा जाए। रियासत के रिट को चैलेंज करना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रियासत के सब्र की हद होती है। ताकत के जोर पर किसी को अपना एजेंडा मुसल्लत नहीं करने देंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि किसी माई के लाल में इतनी जरूरत नहीं कि पाकिस्तान को चैलेंज करे और ब्लैकमेल करे। ताकि एक्टिविटी को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई रियासत की रिट को चैलेंज करे। पाकिस्तान की रियासत ने अलकायदा जैसी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को शिकस्त दी है। कोई रियासत पाकिस्तान को कमजोर समझने की गलती ना करे, और पहले भी जिन्होंने रियासत को कमज़ोर समझने की गलती की उनको बाद में एहसास हुआ कि वो गलत थे। 3 पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं 2 दिनों में, 49 से ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं। अभी भी कुछ देर पहले 27 क्लाशनकोफ बरदार जो हैं वो सादोगी में जो है वो इस तहरीक में शामिल रहे हैं। ये जो तंजीम है इसकी कोई हैसियत नहीं है। ना आप बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के मुकाबले में आप उस तरह के, आपके पास हथियार नहीं हैं, आपके पास चीज़ें नहीं हैं, ना ही आप ये समझें कि आप रियासत को ब्लैकमेल कर सकेंगे। किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान की रियासत को ब्लैकमेल करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।